हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट कैसे हैं आप सब तो गाइस आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा माय कंप्यूटर और माय सिस्टम ग्रीट्स मी ईच टाइम वाइल आई स्टार्ट माय पीसी मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया लगे अगर आप अपना सिस्टम ऑन करें और आपका सिस्टम आपको ग्रीट करे वो भी एक अच्छी और प्रॉपर वॉइस के साथ सो so, आइए चालू करते हैं हमारा वीडियो ओके okay, तो गाइज़ इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर नोट पैड ओपन करना है नोट पैड ओपन करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं विंडो आर जैसे रन कमांड ओपन होगा और फिर आप वहाँ नोट पैड टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं सो so, गाइज़ हमें यहाँ एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी जिसके थ्रू हमारा सिस्टम हमें प्रॉपरली ग्रीट कर सके ओके okay, तो गाइज़ देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट लिखनी है सबसे पहले हमें टाइप करना है डिम स्पीक्स कॉमा स्पेस देके के स्पीच देन एंटर प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे स्पीक्स इजिकल टू डबल कोट में आपको जो भी मैसेज मैसेज लिख दीजिए ओके okay, तो गाइज मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ हेलो एंड वेलकम टू द सिस्टम सो देन हम लिखेंगे एंटर करने के बाद सेट स्पीच इजिकल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे डबल कोर्स में लिखेंगे सेपी डॉट एस पी वॉइस डबल कोर्स ओवर पैरेंथेसिस ओवर फिर हम लिखेंगे एंटर प्रेस करके स्पीच डॉट स्पीक एस पी ई ए के स्पीक स्पेस स्पीक्स एस पी ई ए के एस देन गाइज हम इस फाइल को सेव करेंगे विंडो डॉट वी वी एस के नाम से या आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं जैसे विंडोज़ हो गया या वेलकम हो गया जो नाम आपको पसंद आए अब उस नाम से इसे सेव कर सकते हैं ओके okay गाइस तो अब हमने हमारी फ़ाइल क्रिएट कर ली है अब हम इसे देख लेते हैं कि हमें हमारी फ़ाइल को कहाँ पे स्टोर करना है ताकि जब भी हम हमारा सिस्टम रिस्टार्ट करे और या तो जब भी हमारे सिस्टम को स्टार्ट करे तो हमारा सिस्टम हमें ईच एंड एवरी टाइम ग्रीट करे सबसे पहले आपको जाना है माई कंप्यूटर में देन आपको जाना है सी ड्राइव देन गाइज़ आपका जो भी यूज़र नेम है आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है जैसे मेरा यूज़र नेम है यहाँ पे वन स्पॉट आपका ऐप डेटा वहाँ विजिबल नहीं होता तो आप व्यू में जाके हिडन आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका ऐप डेटा विजुअल हो जाएगा मैक्सिमम टाइम वो विजुअल होता ही है आपको दिख ही जाएगा बट इन केस अगर ऐप डेटा आपको उस फोल्डर में नहीं देता तो आपको ऊपर व्यू में क्लिक करना है और वहाँ पर हिडन आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका ऐप डेटा वहाँ विजिबल हो जाएगा लेटर आफ्टर गोइंग ऐप डेटा आपको जाना है रोमिंग नाम के फोल्डर में देन आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर में एंड उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ के फ़ोल्डर में गाय जैसे मैं आपको यहाँ दिखाते जा रहा हूँ आपको उसी तरह से ईच एंड एवरी फोल्डर पर क्लिक करना है थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है बट ऑफकोर्स आपको बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़ के फोल्डर में और फिर आपको जाना है स्टार्ट के फोल्डर में लेटर आपको जाना है प्रोग्राम और प्रोग्राम के फोल्डर के बाद आपको जाना है स्टार्टअप के अंदर और वहाँ आपको आपकी ये फाइल को कॉपी करके पेश कर देना है जो भी फाइल आपने क्रिएट की है वेलकम के नाम से विंडो या किसी भी और अदर नाम से जो हमने स्क्रिप्ट रेडी की है उसे हमें यहाँ पेस्ट कर देना है गाइज हमने अभी जो प्रोसेस की है पूरी की पूरी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सी ड्राइव एंडिंग ऑन स्टार्टअप अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली उसके लिए पहले आपको क्लिक करना पहले आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर उससे आपका रन उससे आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा रन कमांड में आपको लिखना है शेल एस एच ई डबल एल कोलन स्टार्टअप रन में आपको टाइप करना है शेल कोलन स्टार्टअप और जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी जगह पे पहुंच जाएंगे जो हमने ये लॉन्ग प्रोसेस देखी थी सी ड्राइव से लेके स्टार्टअप तक की ओके गाइस तो अब हम हमारा आउटपुट देख लेते हैं गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड Thank you guys for watching this video.